अगर बात करें मोटो H20 प्रो, मोटो H30, मोटो H30 प्रो, जी हाँ दोस्तों, तीनों ही फोन काफी दमदार फोन है मोटो की तरफ से। लेकिन मोटो H20 प्रो में हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ देखने को मिला था, वही दोस्तों मोटो H30 एंड H30 प्रो आउट ऑफ द बॉक्स हमें एंड्रॉइड 12 के साथ में देखने को मिला था। लेकिन तीनों ही फोन में एंड्रॉइड 12 हो जाने के बावजूद काफी सारे हमें हीटिंग के इश्यूज, बैटरी के इश्यूज और गेमिंग में लैग देखने को मिल गया था। इसकी वजह से जो है अभी फिलहाल ही में एंड्रॉइड ने अनाउंस कर दिया है गूगल ने, जो कि आपको मिलने वाला है एंड्रॉइड 12.1 का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इसी अपडेट से आपका जो भी ये प्रॉब्लम हो रहे थे, यानी कि हीटिंग के, गेमिंग के, ऑटोमेटिक फोन बंद हो जाना, तो सारे इश्यूज जो है इस अपडेट के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा। क्या आप एक मोटो H20 प्रो या फिर H30 प्रो यूजर हो, नीचे कमेंट करना। और हाँ, आपके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा ये भी कमेंट करना। और रही बात ये एंड्रॉइड 12.1 अपडेट की रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों कहा जा रहा है इसी साल 2022 दिसंबर तक आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा।